Hi guys, this is Madhu and very warm welcome to my channel. So today's video is all about skin care video. बताया कि ये एक skin care से related video है and मैं यहाँ पे share करने वाली हूँ one of my favorite brand product which is a L'Oreal Paris. Exactly, L'Oreal Paris newly launched. This is a Revital Lift Crystal Gel Cream. This is a newly launched product. और now you can see the सबसे पहले आप इसकी packaging देख लो. वैसे तो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है बट इट्स अ ग्लास जार. इट्स अ वेरी वेरी लग्जीरियस एंड ब्यूटीफुल ग्लास जार. नाउ यू कैन सी द टब एंड कंटेनर. आपको दो साइज अवेलेबल होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन हो जाएगा. अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा, यू कैन गो एंड चेकअप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट्स वर्क. अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और आपको ऑयली स्किन के साथ में आपके बहुत ज्यादा एक्ने, पिंपल, ब्रेकआउट्स का प्रॉब्लम होता है, तो दिस इज अ गुड फॉर योर स्किन. एंड बेसिकली आपको पता है कि जो जेल क्रीम्स होती है बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी क्रीम होती है, बिकॉज क्योंकि जेल क्रीम ना बिना स्टिकीनेस के आपकी स्किन को एक ब्यूटीफुल सी स्किन प्रोवाइड कराती है. एंड गाइस आपको पता है जब आपकी स्किन में बहुत ज्यादा एक्ने, पिंपल्स होते हैं और उसका सबसे ज्यादा मेन रीजन होता है आपका जो सेबम का प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपको पिंपल एक्ने का प्रॉब्लम होता है. बट इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज सैलिसिलिक एसिड. एंड सैलिसिलिक एसिड द नंबर वन साइंटिफिक इंग्रेडिएंट फॉर अ क्रिस्टल क्लियर यूथफुल स्किन. And I'm sure you hear about it. Salicylic acid is a good for your skin. Also, guys, सबसे अच्छी बात है इसकी कि ये dermatological and clinically tested है, तो no worry about it. Let's see how its work and quantity and fragrance and all detailing. So this is a tub and now you can see the consistency of the product. मतलब कि इसका जो consistency water based consistency है and बहुत ही gel जैसी है. Means आपको watery texture है, इसकी वजह से आपको बिना stickiness ही ना एक healthy और younger looking provide कराता है. आप जरा सा ये apply करोगे ना तो आपकी ये deeply tan layer में penetrate हो जाता है क्योंकि इसकी जो consistency है watery based है. अब ये काम कैसे करती है creams, तो इसका जो मेन एंड मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज़ सैलिसिलिक एसिड, जो कि ऑयली, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होता है. स्किन केयर लवर्स को तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है ये. बेसिकली एज नोन कि दिस इज़ अ सैलिसिलिक एसिड क्रीम. और ये क्रीम कैसे काम करती है, आपकी स्किन में जो भी ऑयल का प्रोडक्शन है, सीवम का प्रोडक्शन है, उसको डिक्रीज करता है. एंड ऑल्सो गाइस ये एक नॉन कॉमोडाइज फार्मूला है एंड इसका जो टेक्सचर है वो वाटर बेस्ड टेक्सचर है, जिसकी वजह से ये डीपली 10 लेयर में पेनिट्रेट होकर आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी और एक यूथफुल यंगर लुकिंग जो है वो प्रोवाइड कराती है. एंड सबसे अच्छी बात है कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट है, तो वरी करने की भी ज़रूरत नहीं है. एंड जब आप इसको अपने फेस पर लगाते हैं तो आपकी स्किन के अपर लेयर से ये डेड सेल्स को भी रिमूव करता है. जब आपकी स्किन में ऑयल का प्रोडक्शन कम होगा, पिंपल्स नहीं होंगे, आपके पोर्स भी मिनिमाइज कर देगा, साथ में ही आपको जो भी ऑयल का प्रोडक्शन की वजह से एक्ने, पिंपल्स का इशू हो रहा था उसको भी कवर कर देगा, तो आपकी स्किन ऑलरेडी एक हेल्दी और एक यंगर लुकिंग जो है वो आपको प्रोवाइड होगी. और इसको आप दिन में मतलब दो बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में एंड नाइट रूटीन में. तो इसको यूज़ करने से पहले एज अ टोनर आई एम यूजिंग अ क्रिस्टल माइक्रो एसेंस. इसका भी रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे है. एंड ऑल्सो गाइस दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब हर दो साल से इसका यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव द प्रोडक्ट. एंड द सेकेंड, जब आप एज अ मॉइस्चराइजर सॉरी टोनर उसको यूज़ कर लें, देन एज अ मॉइस्चराइजर ये वाली क्रीम को आपको अप्लाई करना है. सिर्फ आपको डॉट डॉट करके इसको अप्लाई करना है, दैट्स इट, सिंपल. Now you see my skin. I love my skin. रिसेंटली अभी मैंने इसे ना अपनी स्किन का रूटीन में इंक्लूड किया है एंड आई रियली लव द रिजल्ट. एंड इसका जो क्रिस्टल माइक्रो एसेंस है वो ऑलरेडी मैं यूज करती ही थी पहले से. सो या थम्स अप दिस प्रोडक्ट. एंड परचेज की आपको ये वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.